बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चीज़ी चिप्स, बहुत ही मज़े के चिप्स। तो आपने बहुत ही तरीके से खाएंगे, लेकिन ये हम एक अलग ही तरीके से बनाएंगे, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 अदद आलू ले लेने हैं, ठीक है ना। आलू का मैंने इसका छिलका रिमूव करके अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया है। अब इस शेप में आपने इसको काट लेना है। काटने के बाद अब आपने क्या करना है, ठंडा पानी ले लेना है एक बाउल में, और इसमें तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए आलू को आपने रख देना है कि अच्छी तरह से ठंडे हो जाए जी। तो 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने थोड़े सा आलू लिए और इनको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है ना। हमने बहुत कम कम लेके फ्राई करने हैं, जब तक इनका कलर बहुत खूबसूरत नहीं आ जाता हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। अब ये जैसे ही थोड़े से लाइट ब्राउन हुए तो मैंने इसको उतार के अब दूसरी शिफ्ट डाल दिया, ठीक है ना। फिर दोबारा से थोड़े से आलू डालें, अब हम इसको भी फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह फ्राई हो गए थे। अब जो मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले जो किए थे उन दोनों को इकट्ठा एक इस गरम ऑयल में डाल के हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, और अच्छी तरह से इसका कलर आने तक इसको हम ब्राउन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आलू तोड़ रही हूँ तो ये टूट रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी जी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए थे। अब चलें इसके हम चिप्स तैयार कर लेते हैं। ये जो चिप्स हैं हम इसको तवे पे बनाएंगे, और ये चीज़ें मुझे इसके लिए ज़रूरत हैं, बहुत ही कम चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तवा ले लेना है, तवे को बहुत अच्छी तरह से आपने गर्म होने देना है। फिर उसके बाद आपने तकरीबन इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देना है। अब आपने 1 लेयर आलू की देनी है जो आपने चिप्स बनाई हुई हैं, और आराम आराम से आपने इस तरह से एक एक करके रखना है, ठीक है ना। 1 लेयर आपने ये दे दी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, ठीक है ना। मैं 2 लेयर दूंगी। इसके ऊपर अब हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों जो आपके पास अवेलेबल है आप दोनों एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये देख सकते हैं 2री लेयर भी मैंने इसके ऊपर पोटैटो की दे दी थी। फिर दोबारा से हम वही रिपीट करेंगे, इस तरह नमक मिर्चें और मोज़रेला चीज़ करने के बाद कोई सभी आपने ढक्कन कोई सभी पैन लेके इसके ऊपर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत हल्की फ्लेम पे आपने रखना है, और ये देखें बिल्कुल आपके चिप्स तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने मज़े के, ये कितने यमी लग रहे थे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो आप ये उन्हें सर्व कर सकते हैं जी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।